अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हो? सब ठीक हो? हम लोग ये डक्की भाई की वीडियो को रिएक्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी वीडियोस हैं। हुरिया के साथ बैठा हूँ मैं। हुरिया मेरी बहन है। चलो शुरू करते हैं। मैंने कहा बाहर आके इंट्रो करते हैं, चीख के जो है ईद मुबारक बोल दे ताकि पूरा मोहल्ला उठे ना भाई। वो ईद की नमाज पढ़नी है, उठ जाओ सारे। यार भी जो है ना, नीचे जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है भाई। वेलकम बैक हो गया तुम सब, कहना था व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुमने डक्की इसका भाई घर व्लॉग एंजॉय अच्छा नहीं किया हो तो बड़ा कर है। लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। हाँ तो नहीं, ईद वाले पहने, ईद वाले पहने हैं ना। आपने कपड़े नहीं चेंज किए? नहीं, कपड़े चेंज होने हैं। अभी शावर वावर लेने, उसके बाद सेट होगा ना काम। शावर छोड़, शावर का फायदा नहीं, आप पे शावर असर नहीं करता कुछ। यार अम्मा, ईद के दिन किट नहीं लगानी यार। अम्मा ईद के दिन तो बख्श देना यार, बहुत रमजान खत्म हो गया, अब वापस आ गई हैं। तो धो और अपने कपड़े पहनो। दिखाओ तो सही, नहीं नहीं दिखा, फनी लग रहा है। ऐसा लग रहा है तुम्हें चंडे बनिए। दिखाओ। ओए होए होए होए, अभी भी फाउंडेशन कुट खा के आई हो ना बाहर कहीं से? अभी भी फाउंडेशन मार खा के आई हो मम्मी से? भाई देखिए मेरी सलवार के अंदर नारा तो डाल दे जरा। इसमें तो पांच छह बंदे पूरे आदमी हैं। आपको तंग है? संभाल नहीं, समूल नहीं, कोई नहीं है। मुनीब की, मुनीब की मुझे दे दें। मामा तो फकीरों की तरह प्याला ले आई है, प्याला ले आई है मामा फकीरों की तरह। अम्मा ये दे मुनीब को, आप जाओ फुटपाथ पे बैठ जाओ ये लेके और पैसे कटे करके लाओ। भाई जान, आज 10 अप्रैल को ईद तो है ही है, लेकिन आज मुनीर की बर्थडे भी है भाई। तो गिफ्ट भी मिल गया। किसको गिफ्ट भी मिला? गिफ्ट का क्या मिला है? परफ्यूम, बिल्कुल सही, इसके काम आने वाला गिफ्ट मिला है। इसको वैसे परफ्यूम लगाना पड़ना है, ऐसे तो 3-4 इसको चाहिए दिन के। भाई मुनीर की बर्थडे है ठीक है, लेकिन आज ईद गुजारेंगे, इसकी बर्थडे को मिस कराते हैं। ईदी मिलेगी तो पहले मुझे फील होगी, फिर वो फीलिंग मैं तुम्हें दे दूंगा ना। फीलिंग मिल गई है बाबा से, अब मुझे दो। बस जो मिला है बस वही है, बस ठीक है, इतनी बहुत है। अपना मुंह खोलना अपना, चलो फटाफट। भाई ऐसे यार, अब हम लड़कों की तो ईद होती है। आज क्या ही याद करोगे, मेरी तरफ से भी होगी ईद यार। चलो, तुमने उन्हीं को ईद नहीं दी अभी तक? तनख्वाह देगी 200 रुपए, ईद नहीं रहती अभी। यार तुम तो सेम मिल ही नहीं रही हो ईद में। यार तुमने मेरी तारीफ ही नहीं की। यार उस समय माँ बाबा नीचे बैठे थे ना, तो उनके सामने मुझे शर्म आ रही थी तुम्हारी तारीफ करते हुए। तो अब मैं सुकून से तारीफ कर देता हूँ, बहुत ही बुरी लग रही हो भाई। अरुण, मैंने तुम्हारी गाड़ी का पिंक करवा दी, तुमने तो ये क्या काम किया भाई? ये क्या बदतमीजी है? ये तो मैच ही नहीं कर रहा भाई। मैंने इसकी गाड़ी का पिंक करा दी, इसने तो जूते पिंक करा लिए अपने, बिल्कुल सेम टू सेम कलर के। इतने प्यारे लग रहे, तुम्हें फैशन की सेंस है? धोती के ऊपर टी शर्ट पहनने वाला इंसान। तुमने मेरी किट लगाई ईदी, मैंने कोई नहीं देनी फिर। सारा चीज ठीक है, ठीक है। नहीं, मेहंदी तो दिखाओ यार। भाई ये देखें, रात सारी जो है ना गई रही है मेहंदी लगवाने, साथ लिख के आई है ताकि मैं इसको ईदी ज्यादा दूं। ये बड़ी तेज है कि मैं इसको थोड़ा मेहंदी लगा के जो है ना इम्प्रेस कर दूंगी, ठीक है, और इससे जो है ना फिर पैसे निकलवाऊंगी। बड़ी तेज हो भाई, होती है। अच्छा ईदी तो सही है। अभी सुबह के 9 बजे हैं, ईदी मैं कहाँ से लाऊं भाई? ना मेरे पास कोई रुपया पड़ा हुआ है। पिछले साल मैंने तुम्हें ईदी दी तो थी, वो पिछले रोज रखने, उससे पिछले साल भी तो दी थी, वो भी पिछले रोज रखने की थी। और वो 2 साल की ईदी हो गई है ना यार, अब हर साल थोड़ी ईदी देनी है यार। मुझे भी दिल करते है यार ईदी ईद मनाने का, मुझे तो जिंदगी में तुमने मुझे ईदी नहीं दी यार। हर ईदी 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 दे दो, ईदी दे दो, ईदी दे दो, साल में एक बार बोलती हूँ। तो भाई अरूप को ईदी मिलने लगी है माशाल्लाह से, मेरी पूरे महीने की कमाई। भाई ईद मुबारक और खुश रहो मेरी बेगम के लिए। जान भी आंदे रहे भाई, अले फार खुश हो जा। खुश हो गए? नहीं लगता खुश नहीं होगी, कोई मसला नहीं। अले डबल हो गई, अगले साल की भी ईद आज ही मिल जाएगी भाई। ए फार एंजॉय कर भाई, लगता है अभी भी दिल नहीं भरा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत ही अच्छा हस्बैंड हूँ, मैं अपनी बेगम को जरा नाराज नहीं करता। तो इसलिए जो है मैंने रूप के लिए सरप्राइज रेडी करके रखा हुआ था। अरे पोटी, मैंने कहा भाई अरूप ईद आएगी तो मैं सुकून से जो है मैं तुम्हें पोटी का सरप्राइज दूंगा। मैंने बड़े टाइम से जो है मैंने संभाल के रखी थी, 2-3 महीने से, 2-3 महीने से मैंने पोटी होल्ड की हुई थी। मैं कहा ईद आएगी, अरूप में जो है मेरी ईदी मांग रही है, पोटी को पकड़ा देंगे तो खुश हो जाएगी भाई। तो मुझे ईद ही है मेरी टोटल, बस ये डन हो गई है। अब तू चाना करना, मुझे सोने दो चुप करके। जी तुम तो वही हो ना लास्ट ईयर वाली जिसने मुझे ईदी नहीं थी दी, मैं तुमसे लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुमने मुझे 1 भी रुपया नहीं दिया। मैं क्यों देती आज तुम पकड़ी गई हो भाई? भाई साल भी हमने इसको पकड़ लिया, लास्ट ईयर जो है इससे हमने ईदी लेने की कोशिश की थी,
इसने हमें 1 रुपया नहीं दिया, आज ये पकड़ी गई है भाई। तुम मेरे ख्याल से ईद के दिन ईद आती हो यहाँ पे, दिखाओ तो सही क्या क्या जमा हुआ है। पास अभी 75 के नोट भी हैं, और क्या क्या है, 100 रुपए है, 10 रुपए है, बस ठीक है। और ये क्या है, ये हो ना मेन, बस ठीक है, ये माल मेरा हो गया। लास्ट ईयर तुमने मुझे कटाया था, तुमने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। हाँ क्यों वापस दूं भाई, मेरी ईदी हो गई अब, मैं कौन वापस दूं भाई, दे तू देख लेना, मैं किस खुशी में वापस दूं, मैंने ओ भाई भाई बच्ची की ईदी लेके भाग गए, छोटी बच्ची की ईदी लेके भाग गए भाई। लेकिन जिन लोगों ने ये वाला व्लॉग देखा है उसके अंदर तुम लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था जल्दी से कंडीशंस रखोगे साल को मुझे कितनी ईदी देनी चाहिए। नीचे कमेंट के अंदर बताओ कि कितनी ईदी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा लाइक होगी मैं बाकी दूंगा। हां ये कर लेते हैं माशाल्लाह से 40,000 कमेंट, यानी के तुम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि डक्की भाई की जेब गायब हो जाए भाई। अब इन 39,000 कमेंट के अंदर से एक कमेंट ऐसा था जिसके 41,000 लाइक्स थे, जो मैंने खुद भी लाइक किया हुआ है, और उसके ऊपर जाहिद भाई ने लिखा हुआ है कि 5,02,000 हमारी बहन को। तो इस 40,000 कमेंट के अंदर से जाहिद भाई ने जो है आज मेरी कर दी है जेब खाली, और हमें अरूप को देना पड़ेगा 5 लाख रुपया ईदी। अब उसको ईदी देनी पड़नी है यार। लेकिन उससे भी पहले मेरे पास एक दत्ती और पड़ी है 5 लाख की। ईद की फीलिंग तब आएगी जब आप जेब हल्की करोगे अपने। ले मैं आपके लिए लेके आया हूं ईदी। कितनी होगी गेस करें, 1 रुपया, 1,000, 10,000, 1 अरब। चले मैं आके आपके खुद ही चंदे वाले प्याली में रख के देता हूँ मैं। ओए 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 ओए, ये ले जी आपकी ईदी, ईद मुबारक जी। असली है ऐसे नहीं, ये क्या कह रही हो? खैर है कुछ नहीं, उतर रख ले, अब साल में एक बार ईद आती है। चलो एक और रख लीजिए, दो और बस बस। ले नहीं तो बाकी आप दे देना किसी को, सारे इतने आपके सपोर्टर, आपके सब्सक्राइबर, आपके एनफ फॉर मी। नहीं यार माँ, अम्मा ये आपके लिए पूरा रखा है मैंने। नहीं नहीं बस मुझे जिसके लिए ये दिखवाने रखी है, ये मुझे इनफ है, बहुत ज्यादा है। कितने रखे हैं आपने दिखाए? मैंने अम्मा ये 15,000 आपने क्या करना है यार। अम्मा ये रख ले, साल में एक बार ईद आती है, छोड़ दें आप, आपकी दुआएं हैं बस ठीक है। वो तो है, वो तो हमेशा रहेंगी, लेकिन ये बेटे बस मुझे इसकी जरूरत है, बस ये नहीं, ये आप दे दो, ये लो अभी देखना। कहाँ दे दूँ, देखो ना इतने आपके सब्सक्राइबर हैं, जिनकी स्पोर्ट से आप इतना आगे आए हो, आप दिन बाहर मिलते हैं, वो ईदी का कहते हैं कि तो भी है 3 दिन, तो आप जाओ, आपको बाहर कोई भी कहेगा आप उनको देते जाओ। चलिए मेरी तरफ से दे देना, लेकिन उनको दे देना, उनको दो, खुश हो जाएंगे और आपके लिए कोशिश करेंगे, उनकी वजह से सारा हो ना, जो बच्चे हैं सारे आपको सब्सक्राइब करते हैं, पसंद करते हैं, इतने सारे लोग रोक रोक के पूछते हैं, दे डिजर्व दिस। अच्छा एक नोट और रख लें, इतना तो रख लेना यार कम से कम। मामा ने कहा कि जो लोग हमें सालों से सपोर्ट करते आ रहे हैं, यानी कि हमारी डक्की भाई आर्मी, आप ये ईदी उनको दे दो, और ये मामा की तरफ से ऑफर है। जी तेरे बच्चे खुश हो, तुम्हारे देख लो, खुश हो जाओ, अब ईदी आ गई है तुम लोगों को डक्की भाई की तरफ से। ये जो है अब मैं रख रहा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर। ईद के हैं टोटल 2 दिन और बाकी, आज का दिन और अगले 2 दिन। ये पूरे नोट, ये कोई 4,80,000 रुपए, तकरीबन 5 लाख रुपया है, 20,000 में इसमें और डाल के 5 लाख पूरा कर दूंगा। गाड़ी में ये पड़े रहेंगे, जो मेरे से आके मिला, कहा डक्की भाई ईद मुबारक, उसको मैं एक नोट दे दूंगा। इस तरह से हमने ये 2 से 3 दिन के अंदर ये पूरे के पूरे 5 लाख हमने मुकाने हैं। ये हम लोग अरूप को ये सारा समेटना पड़ेगा भाई। हाँ जी अरूप भाई, मैं इसको ईदी देने आया हूँ, अरूप तो कमरे में है ही नहीं भाई। हमारा रूप का है, आपने सुबह से उसको बहुत तंग किया है। क्या किया मैंने, मुझे इतना परेशान किया यहाँ से। मैं ईद का दिन है आज, हमको अच्छा अच्छा टाइम गुजार लेते हैं, आज तो तुम छोड़ देते, नॉर्मल डेज पे हो जाते, लेकिन अब तो तुम थोड़ा सा तो एहसास करो। मुझे घर तो आने देती, मैं कसम से मैं सिर्फ ATM से पैसे निकलवाने गया था, टाइम मुझे इसलिए लगे, मुझे बाहर बच्चे बच्चे मिल जाते हैं, उनके उनको भी टाइम देना होता है। मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं बस पूरा दिन घर पर वहाँ वेट करती रहती, मैं तैयार रही, मेरे नाम की मेहंदी लगाई, जिससे कॉल में बात हुई है वो बस कह रही है कि यार तुम जो है ईद के दिन भी कभी बाहर फिर रहे हो, कभी जुक्के लगा रहे हो, कोई ना मुझे तुम टाइम दे रहे हो, ना मुझे गाड़ी है। मैं भाई खुल के बोलो ईदी चाहिए, वो कह रही ईदी वीदी कोई नहीं चाहिए, कम से कम टाइम गुजार लो मेरे साथ। उस समय मैं गया रहा हूँ ना बाबे के साथ बाहर ईदी निकालने, तो फिर हम अपना शुगर भी लगाने चले गए थोड़ा सा, वो माइंड कर लिया थोड़ा सा। कल वाला व्लॉग देखा था, उनको पता होगा कि यार हम लोगों ने मामा को जो है 5 लाख रुपया ईदी दी थी, और उन्होंने वो ईदी लेने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि यार ये जो ईदी है ये आप दे दो अपनी डक्की भाई आर्मी को। तो हम लोगों ने जो है
सारा का सारा कैश ये 5 लाख रुपए है हमने रख दिया गाड़ी में। कुछ नोट को जो है मैंने 1000 में भी स्प्रेड कर लिया था, कुछ 500 के हैं, कुछ 5000 वाले हैं, कुछ मतलब ये सब मिक्स ही है सारा। असल में इस तरह से जो है ना क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है और फिर ज्यादा लोगों को जो है ना ईदी मिल सकती है भाई। ईद मुबारक। ईद तो मिली नहीं रूप तुम्हें है। तुम्हें किसने बुलाया साहब यहाँ पे? रूप कैसी हो? ठीक हो? मैं तुमसे मिलने थोड़ी आया हूँ। मैं तो मिलने आया हूँ अपने दूसरे पेरेंट्स से जिन्होंने मुझे इतनी प्यारी सी बेटी मुझे दे दिया। और ये देखो क्या लेके आया मैं तुम्हारे लिए, एक तुम्हारा एक मेरा। तुम तो मेरे से बात नहीं करती, ना तो मुझसे ईद मिली ना तुमने मुझे कोई ईदी दी। ईद वाले दिन गायब कौन हुआ? साथ। ईद वाले दिन मुझे पूरा दिन वेट किसने कराया? साथ। ईद वाले दिन मेरी बदतारीफी किसने की और मुझे किसने कहा कि मैंने जब पूछा कि अच्छी लग रही हो तो तुमने कहा बहुत बुरी लग रही हो? साथ। हर चीज तुमने की, ठीक है? अरे कोई बात नहीं यार, तुमने माइंड किया कि यार मैंने तुम्हारी उस तरह से तारीफ कर दी, मैं तुम्हारी दोबारा तारीफ कर देता हूँ, बहुत बुरी लग रही हो भाई। और ईद वाले दिन तुम दोस्तों के साथ बाहर भी चले गए? अरे वो दोस्तों के साथ बाहर वाला बात नहीं ना, वो बाबे आया हुआ था, वो जाहिर है वो एटीएम से देख रहे। मैं तुम्हारे लिए ईदी भी लेके आया हूँ भाई, तुम मुझे तो मैं प्रूफ दिखाने आया हूँ कि मैं वाकई एटीएम गया था भाई। बड़े जाहिर है बाबे ने भी ईदी मिली ही, तो वो भी आया था, सुबह सुबह आ गया था तो, लेकिन वो जल्दी फारिग हो गया था यार। बाबे हमें बाबे ऐसे हाँ, मैं जब तैयार होती थी ना हाँ, तो अंकल अगर उनको मैं प्यारी लगती थी तो वो मेरी तारीफ नहीं करते थे, मुझे कहते थे आज तुम बिल्कुल बांदरी लग रही, तो मुझे पता चल जाता था कि वो तारीफ कर रहे हैं। तो मेरा भी यही है, अरे बहुत बांदरी लग रही हो आज। हाँ जी, ओ यार मुंह तो सेट कर लो ताकि मैं तुम्हें सेट मुंह पे ईदी दूं। ऐसे उजड़े हुए मुंह पे मैंने ईदी नहीं देनी भाई, सेट मुंह पे बंदा ईदी दे। मुंह बनाया है तुमने तो यार। रूप जो एनर्जी काली नाराज हुई भी, इसको जो है हम देते हैं इसकी ईदी। ओए ओए, और ये कितना है वाला? तो तुम लोगों में से एक बंदे ने कमेंट किया था 5 लाख ईदी मिलनी चाहिए और उसके कमेंट में 50,000 लाइक्स था भाई। वो वाला कमेंट डिलीट कर दिया जिसके ऊपर 10 लाख ईदी लिखी थी। और ऐसी कोई ड्रामेबाजी नहीं लगाई मैंने, कितना बोलो। एज प्रॉमिस्ड ये 5 लाख ईदी तुम्हारी हुई है। बच्चों को देने लगे हैं, बच्चों को देने लगे हैं ईदी, और हमारे एक हाथ में है पूरा का पूरा एक नोट 5,000 का, और हमारे दूसरे हाथ में चमकते चमकते कोई मेरे कोई 600 रुपए पड़े हुए हैं। पहला बच्चा आ जाए, यही है पहला बच्चा। पहला बच्चा जी, कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? दोनों पे हमला हो गया भाई। भाई दोनों पे हमला, तुम तो बड़ी तेज निकले यार, तुम तो नहीं ऐसे करोगी? उसको पता लग गया है कि कंडा क्या है। चलो जी, एनु की बारी। एनु काम, इन दोनों में से कौन सा लोगी? कौन सा यार? ये ये इसको इनको पहले से इनको खबर दी गई थी कि आपको वो ऑफर देंगे तो आपने दोनों पकड़ लेंगे। मैं लेके दोबारा दे देता। चलो आंटी ने इतनी मुझे प्यारी सी बेटी जो है वो मुझे दे दी, तो हम छोटी सी नहीं दे सकते। हाँ ये बात ना, इसका कैसे कर सकते। बहुत बड़ी बात कर दी। नेक्स्ट डे सिक्योरिटी गार्ड की कॉल आई है, वो कह रहा है कि चेक पोस्ट पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है कि 200 बंदा बाहर खड़ा हुआ है जिसको उन्होंने रोका हुआ है, और सिचुएशन इतनी बुरी है, कहीं आके हैंडल करें अपनी। यार घंटे से आपका सुबह 10 बजे से खड़े। मैंने तो कल वीडियो में कहा था मैं कैश लेके बाहर निकलाऊंगा, आप लोग घर के आगे खड़े हो, मुझे तो अभी गार्ड ने कॉल किया, मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। गार्ड ने ही मुझे कॉल किया तो मैं आया हूँ। 1, 2, 3, 4 ये हो गए, बल्कि 5 है वहाँ पे। ये लो भाई आप भी ले लो यार, अब यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लो आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये मेरी बहन और मेरे भाई का हो गया। बहन चले ये लें कोल्ड ले लें, कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। 5 मिनट भाई। एक बहुत अजीब सा मसला हुआ है, मैंने अपने व्लॉग में ये डिस्कस किया था कि मेरे घर पे आपको कुछ नहीं मिलना, बाहर ही मिलेगा। बाहर तो मैंने बहुत सारे पैसे बांट दिए है, अब घर मेरा भाई इस वक्त कोई 200 बंदा आया हुआ है। रूप को भी जो है मैंने पीछे कर दिया है कि यार वो पीछे बैठ जाए स्कूल से, क्योंकि वो लोग जो है ना फिर वो यहाँ से मुझे ईदी पकड़ानी पड़ती है। अभी मैं रूप को ड्रॉप करना है, फिर मेरे गेट पे जाना है, बहुत लोग आ गए वैसे। भाई साहब अल्लाह की कसम बहुत बंदा है, देखी जाएगी। आराम से एक मिनट भाई जान, सिचुएशन बहुत खराब है। सबसे पहले अभी मिलते हैं। कल मैंने वीडियो में कहा था कि मैंने जो ईदी है वो रखी है गाड़ी में, और ईद के जो अगले 2 दिन मैं बाहर ही रहूंगा, बाहर मुझे जो मिला उसको हम ईदी बांटेंगे। अभी मुझे सिक्योरिटी वाले भाई ने मुझे कॉल करके उन्होंने कहा कि यहाँ पे इशू हुआ है, तो आप आज सिर्फ मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, लेकिन अगर हम लोग शुरू करेंगे बच्चों से और जो जरूरतमंद है उनसे।
तो यहाँ पे ठीक है, फोटो सारों से लेंगे, मिल के सारों से जाएंगे। अब यही हो सकता है, एक एक बच्चा यहाँ पे आ जाए बस। मैं भाई रखता जाऊंगा जिसके हाथ में आ गई। ये मैंने पीछे फेंक दिए, वो देखो फिलहाल के लिए जो है ना, मुझे निकलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होगी सिचुएशन। यार देखो इस तरह से काम नहीं होगा यार, मैं लिटरली देना चाह रहा हूँ यार, मेरी तरह से 5 लाख से ऊपर भी हो जाए मैं फिर भी देना चाह रहा हूँ। मैं दोबारा निकलवा लूंगा एटीएम से, मुझे कोई इश्यू नहीं है यार, लेकिन इस तरह से काम नहीं होगा। आई नो कि ऐसी कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है किसी की, लेकिन भाई साहब डक्की भाई आर्मी भाई तुम लोग बहुत स्ट्रांग हो भाई, बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए थे, लेकिन यार कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है यार, और वो पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है तुम लोग प्यार करते हो, मुझे पता है तुम लोग मिलने आए हो, फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, सब हाजिर है, लेकिन बहुत ज्यादा रश हो जाए ना तो फिर मुश्किल हो जाता है। अभी 100 बार उसने कहा कि जुर्माना करा, जुर्माना करा, जुर्माना करा। अब वो मुझे घर जाके पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से लेटर आते हैं। मैंने इसलिए मैंने व्लॉग के अंदर कहा था कि मैं 2 दिन बाहर रहूंगा और आप लोगों को बाहर मिलेगी ईदी बाहर। अब वो आप लोगों मेरे गेट में उन्होंने हमसे घर से बाहर निकाल देना यार। देखो आप लोग भाई हो यार मेरे, लेकिन कुछ ना कुछ होगा गलती, इतना मुझे फीलिंग आ रही है। मोमेंट्स लेटर अच्छा मेरी बात सुनो, पहले तो किसी का मूड ही नहीं था लेने का, मैं बच्चे अलग कर रहा हूँ, बड़े अलग कर रहा हूँ, सुनो ना सुनो सुनो सुनो, बच्चे अलग कर रहा हूँ, वो कोई मान ही नहीं रहा वो बात, ठीक है। फिर के बाद जो बचा गुचा था मैंने कहा 5,000 के पड़े हैं, उसको मैं 1,000 रुपए कर लेता हूँ ताकि ज्यादा लोगों तक पहुँच सके। वो भी किसी का मूड ही नहीं था लेने का, तू भी आप भी अवाम ही में थे। मैं तो वादा करके आया हूँ, मैंने कहा ईदी मैं सिर्फ उसको दूंगा जो मुझे रास्ते में मिले। सबसे पहले वो बाहर वाले गार्डन ने मैं अंदर आने दिया मेरी जान के टुकड़े टुकड़े। मैंने आपको ये बोला था अच्छा। कि मैं घर से बाहर आऊंगा ईद के 2 दिन, आपको पता मैंने घर नहीं था आना, मुझे आपके जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने कॉल की है कि कुछ 250 बंदा बाहर आया हुआ है। मैंने जब व्लॉग में बोला था कि मैंने कहा घर से थोड़ी ईदी नहीं आनी है आपने, मैं तो खुद बच्चों को साइड पे खड़ा, वो ऊपर ऊपर चली जा रही। चलो कोई नहीं, आपकी ईदी हो जाती है, चलो ये आप वैसे ईद मिल लेते हैं। हाँ वो दूर से वो लड़के लुक के आए थे, मैं फोटो शोटो व्लॉग व्लॉग कह रहे थे बनाने, मैं उनको तो पता क्या हुआ अभी? क्या हुआ? पुलिस के 4 डाले आए अंदर और मुझे साथ लेके जा रहे थे, मुझे कहते कि अब आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं, उनको हेडक्वार्टर भेजे। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मेरे हस्बैंड आएंगे, आप उनसे बात करना। तो नहीं कर रहा ना मैं कोई कंप्लेंट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे भाई हो, ये हेडेक मैं खुद संभाल लूंगा, लेकिन अब हमें एक रूल ऐड करना पड़ेगा इस चीज के अंदर कि मैं आपको अपनी सोसाइटी के अंदर मिल सकता हूँ, फोटो लेंगे, वीडियो देंगे, लेकिन ईदी आपको मेरी सोसाइटी से बाहर ही मिलेगी। प्लीज 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 आप लोगों ने माइंड नहीं करना, आप लोग खुद भी इतने समझदार हो, समझो कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। मुझे पता है यार कि लोगों की इंटेंशन मतलब वो नहीं है कि किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, वो तो अपने प्यार में आते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि लोग इतना दूर दूर से आ रहे हैं साहब। चलो नहीं कोई नहीं यार भाई, देखो मैंने रूल रख दिया एक, सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए मैंने रखा है। मैं आपको सोसाइटी के अंदर मिलता हूँ, फोटो होगी, वीडियो होगी, ईदी आपको सोसाइटी से बाहर अगर आप मुझे पकड़ते हो तब होगी। मुझे पता है हमारी डक्की भाई आर्मी का हमें बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छी बच्चियां हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी आगे पीछे है मेरी। प्लीज तुम लोगों ने बात को माइंड नहीं करना, इसको सिर्फ तुम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। मैं खुद भी अगर ईदी अनाउंस किया, मैं चाहता हूँ कि यार ये छोटा मोटा जो शुगर है ये स्मूथली निकल जाए, ऐसे किसी के लिए प्रॉब्लम ना बने ना। वीडियो बहुत अच्छी थी, वीडियो के एंड में डक्की भाई ने सही बोला, बोलिए अच्छा बोला था उन्होंने डक्की भाई ने। डक्की भाई ने एंड में अच्छा बोला था, बहुत सारे लोग आए थे और लोगों को दाने बनाने चाहिए थी, तहमुल से काम करना चाहिए था, सॉरी। हाँ वो पुलिस की गाड़ियां भी आई थी, धमकी दे रही थी पुलिस। चल रही है वीडियो, चल रही यार क्या बोल। वीडियो बहुत अच्छी थी, स्टार्टिंग में बहुत फनी था, लेकिन एंड में मामला थोड़ा गरम हो गया था। लोगों को आगे बोल। बोल आगे बोल। लोग बहुत ज्यादा हो गए थे, उसके घर के अंदर घुस गए थे, वो उसके अलमारी से पैसे निकाल रहे थे, फिर पुलिस का डाका पड़ा था, पुलिसों ने डाला था पुलिस के
जो भी है पुलिस ने बस निकाला उन बंदों को और डकी भाई को बुलाया कि इसने कुछ छुपाया हुआ होगा सीरियस तो बहुत सारे बंदे थे, पुलिस ने फिर धमकी दी डकी भाई को ले गए। बड़ा मजा आया बड़ा मजा आया देखने में, बस खत्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ, बाय बाय। अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो थी। हाँ, मजा आया देखने में, बहुत सारे लोग आ गए थे, ईदी बांट रहे थे। गुड जॉब।